सदा आनंदित रहो। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tanushri Marak here. So guys, उस टाइम मैं वॉइस नहीं दे पा रही थी क्योंकि आवाज़ से बहुत ही ज़रा ख़राब हो गया था. अभी भी हैवी रिकवर नहीं हुआ है अच्छे से. सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपर आसाम यानी कि डिब्रूगढ़ तिनसुकिया पे जा रहे हैं हम लोग यूथ फेस्टिवल के लिए. पूजा के होलीडे में भी हम लोग जा रहे हैं यूथ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए जो सेंट लुक हॉस्पिटल कैंपस में हो रहे हैं. और ये सब मोबाइल पे बिजी है, सब देख रही है मोबाइल, सभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का. और हमारा ट्रेन है 11 बजे को. हम लोग बहुत ही जल्दी निकल गए थे. और ये सारे हमारे लगेजेस हैं. सो गाइस, हमारा ट्रेन आ चुका है. हम लोग अभी जाने वाले हैं. ट्रेन आ चुका है. अभी हम लोग को सारी रात ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा 12 घंटा. सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़ स्टेशन. ये है डिब्रूगढ़. ये मेरी फर्स्ट विजिट है डिब्रूगढ़ में. और बाकी सब जाएंगे तिनसुकिया. और अभी हम लोग को अभी जाना है मेरी फ्रेंड या सिस्टर उसके घर पे जाएंगे. वो लोग डिब्रूगढ़ में रहते हैं. सो प्रोग्राम तो इवनिंग से स्टार्ट होगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले मैं और मेरी फ्रेंड क्रिश्मा हम दोनों जा रहे हैं उसके सिस्टर के घर. और हम लोग को पिक करने के लिए आए हैं मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रक्सिंग. वो देखिए, आप लोग देख सकते होंगे वो बाइक के पास खड़े हैं. हम लोगों को पिक करने के लिए वो आए हैं. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है. मीट माय डार्लिंग आफ्टर लॉन्ग गैप. सो दिस इज द स्टेशन ऑफ डिब्रूगढ़. हम लोग पहुंच गए हैं बहन के घर. और यही है वो बहन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. वो हमारे विलेज के ही है. वो शादी करके अभी डिब्रूगढ़ में ही रह रही है. सो मिलिए इनसे. पहले बहुत पतली थी, अभी थोड़ा मोटी हो गई है. और उसको एक बेबी भी हुई है. ये है बेबी बॉय. अभी नहा धो के खाना वाना खा के हम लोग सब रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं सब एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं. और अभी हम लोग को निकलना भी है क्योंकि शाम हो रहे हैं. हम लोग को वहाँ 4-5 बजे से पहले पहुँचना है. रजिस्ट्रेशन भी करना है, इसलिए थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे. सो हम लोग जा रहे हैं गाइस. और हम लोग को अभी ड्रॉप करने जा रहे हैं वही रक्सिंग जिसको मैंने पहले भी दिखा चुके हैं. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो. The word of the Lord says that rejoice in the Lord always. And these words are written by Paul when he was in the jail, when he was in the prison.
अगर आपको अगर किसी हेल्प की जरूरत है आस्क. बाइबल क्या कहती है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन. मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा.